ये कहानी शुरू होती है 1971 में, जहां एक परिवार रोड आइलैंड के घर में रहने आता है और इस परिवार में रोजर और उसकी पत्नी कैरोलिन अपने 5 लड़कियों और एक डॉग के साथ रहते हैं। अब सारा परिवार उस घर में चला जाता है, लेकिन उनका डॉग जबरदस्ती करने पर भी उस घर में नहीं जाता है। परिवार के सारे लोग अब उस घर में अपना सामान शिफ्ट करने में लगा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि उस घर के सामने एक बड़ा सा पेड़ और उस पेड़ के आगे एक छोटा सा तालाब है, और वहीं पर उस परिवार की सबसे छोटी लड़की अप्रैल को खिलौना मिलता है, जिसे वो अपने साथ घर ले आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे बच्चे मिलकर छुपन छुपाई खेल रहे थे कि तभी उन्हें एक रूम मिलता है जिसकी सीढ़ियां एक अंडरग्राउंड रूम तक जाती थी, जिसके बाद रोजर उस रूम को चेक करने जाता है, जहां उसे रूम में बस कुछ पुराना सामान दिखाई देता है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और हम देखते हैं कि उस घर में अब कुछ अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो चुकी हैं, जहां कैरोलिन को अपने शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान दिखाई देते हैं। उनके घर में अचानक से एक बदबू आने लगी है और उस घर की हर एक घड़ी बस एक ही टाइम दिखा रही है, 3:07। और तभी उस परिवार की सबसे छोटी बच्ची अप्रैल को उनका डॉग बाहर मरा हुआ दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि एक दूसरे परिवार को, जिसमें एड और लॉरेन अपनी बच्ची के साथ रहते हैं, और एड और लॉरेन लोगों के घरों से भूतों को भगाने का काम करते हैं, और लॉरेन के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनकी मदद से कि वो कुछ ऐसा देख पाती है जो एक नॉर्मल इंसान को नजर नहीं आता है। इसके बाद उनके घर पर उनके काम की खबर लेने एक जर्नलिस्ट आता है, जहां एड उसे एनिमल डॉल से मिलवाता है, जिसमें एक खतरनाक भूत हुआ करता था जिसे उन्होंने ही भगाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोजर के घर में भूतों का साया अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जहां उस परिवार की एक बच्ची सिंडी रोज रात को अपनी बड़ी बहन एंड्रिया के रूम में जाकर एक अलमारी पर धीरे धीरे अपना सर मारती है। साथ ही कैरोलिन के शरीर पर भी चोटों के निशान बढ़ते जा रहे हैं। तभी रोजर देखता है कि कुछ पंछी बार बार उनके घर से टकराकर मर रहे हैं। उसी रात को हम देखते हैं कि सोते हुए कोई जोर से क्रिस्टीन का पैर खींचता है, जिसके बाद क्रिस्टीन जाग जाती है और उसे अपने सामने एक भूत दिखाई देता है, जिसके बाद वो साथ में सोई नैंसी को जगाती है। और जैसे ही नैंसी दरवाजे के पीछे देखने जाती है, तभी उनका दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिसके बाद क्रिस्टीन जोर से चिल्लाती है और सारा परिवार वहां आ जाता है। और क्रिस्टीन रोजर को बताती है उस भूत ने उसे कहा है कि वो चाहता है कि उसका सारा परिवार मर जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरोलिन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिनका पीछा करते करते कैरोलिन उस बेसमेंट वाले रूम तक पहुंच जाती है, जहां उस रूम में दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहां का बल्ब भी अपने आप ही टूट जाता है, जिसके बाद कैरोलिन डर के वहां से तेजी से भागती है, लेकिन उससे वो दरवाजा नहीं खुलता है, जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं एंड्रिया के रूम में फिर से सिंडी आकर अपना सर उसी अलमारी में मारने लगती है, जिसके बाद एंड्रिया सिंडी को अपने साथ सुलाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अलमारी के ऊपर एंड्रिया को एक भूत दिखाई देता है और वो भूत तुरंत एंड्रिया पर कूद कर उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद एंड्रिया भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहां रोजर आता है और सबसे पहले वो कैरोलिन को बेसमेंट वाले रूम से बाहर निकालता है, जिसके बाद वो एंड्रिया के रूम में जाता है, जहां एंड्रिया भूत को देखने के बाद बहुत डरी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं एड और लॉरेन भूत और आत्माओं के ऊपर एक सेमिनार दे रहे हैं, और उस सेमिनार में कैरोलिन भी आई हुई थी। सेमिनार के बाद कैरोलिन एड और लॉरेन को उसके घर को चेक करने बुलाती है, जिसके बाद वो दोनों कैरोलिन के घर पहुंचते हैं, जहां कैरोलिन उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे उस घर की हर घड़ी एक ही टाइम दिखाती है, 3:07, और हर समय उस घर से सड़े हुए मांस जैसी बदबू आती रहती है। इसके बाद कैरोलिन उन्हें वो अलमारी दिखाती है जहां उन्हें वो भूत दिखा था। आखिर में कैरोलिन उन्हें वो बेसमेंट रूम भी दिखाती है, जहां उसके साथ वो हादसा हुआ था।
इसके बाद एड उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करता है जहां वो उनसे कई तरह के सवाल पूछता है। इसके बाद लॉरेन घर के बाहर उस पेड़ तक जाती है जहां उसे कोई पेड़ से लटका हुआ दिखाई देता है। इसके बाद लॉरेन रोजर और कैरोलिन को बताती है कि उनके घर में बहुत सारी आत्माएं घूम रही हैं और अगर वो इस घर को छोड़ भी दे तब भी ये आत्माएं उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसके बाद एड उन्हें बताता है इन सारी आत्माओं को इस घर से भगाने के लिए उन्हें एक पादरी से इस घर की शुद्धि करानी होगी, लेकिन चर्च से उसकी परमिशन लेने के लिए उन्हें पहले इस बारे में चर्च को सारे सबूत देने होंगे। इसके बाद एड और लॉरेन घर पहुंचकर इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही एड उस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग चेक करता है तभी उसे पता चलता है कि सबकी वॉइस रिकॉर्ड हुई है, लेकिन बस कैरोलिन की कोई भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी। इसके बाद लॉरेन एड को बताती है कि वो घर सबसे पहले जेटसन नाम के एक आदमी ने 1863 में बनवाया था, जिसकी शादी एक बैथशीबा नाम की औरत से हुई थी और वो औरत काला जादू करने वाली एक डायन थी। जेटसन से शादी के बाद उसका एक बच्चा होता है और उस बच्चे के पैदा होने के 7 दिन बाद ही वो उसे मारकर शैतान को समर्पित कर देती है, जिसके बाद वो खुद भी उस घर के आगे खड़े पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर लेती है और उस जमीन को शापित कर देती है कि जो कोई भी उसकी जमीन पर रहेगा उसकी मौत हो जाएगी, और इसी वजह से जो भी उस घर में रहने आया उसकी मौत हो गई और अब वो सभी लोग आत्मा बनकर उस घर में घूम रहे हैं। इसके बाद एड और लॉरेन अपने असिस्टेंट ड्रू और इंस्पेक्टर ब्रैड के साथ उस घर में जगह जगह कैमरा और माइक्रोफोन फिट करते हैं ताकि वो चर्च को भूतों के होने का सबूत दे सके। अब अगले दिन की सुबह होती है और लॉरेन लॉन्ड्री का काम कर रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि वहां का मौसम एकदम से बदल जाता है और खिली हुई धूप के बाद अब सिर्फ काले बादल ही आसमान में दिखने लगते हैं, और तभी लॉरेन की नजर कैरोलिन के कमरे की तरफ पड़ती है जहां उसे पता चलता है कि कैरोलिन को उस डायन की आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। लेकिन जैसे ही लॉरेन कैरोलिन से मिलती है वो उसे बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है। अब वो सभी सबूतों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि तभी इंस्पेक्टर ब्रैड को एक मेड दिखाई देती है जिसे देखने के बाद वो डर जाता है। थोड़ी ही देर बाद हमें सिंडी फिर से एंड्रिया के रूम की तरफ जाती दिखती है और एड को उसमें किसी आत्मा का साया दिखाई देता है। तभी सिंडी एंड्रिया के कमरे में जाती है और वहां का दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद एड और रोजर मिलकर उस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसते हैं जहां हमें सिंडी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। इसके बाद एड उस अलमारी को चेक करता है जहां उसे अलमारी के पीछे एक छेद दिखाई देता है और उसके अंदर उन्हें सिंडी मिल जाती है। इसके बाद लॉरेन उस छेद में जाकर अंदर की चीजें चेक करती है जहां उसे वो रस्सी मिलती है जिसका यूज करके उस डायन ने खुद को फांसी लगाई थी, और तभी उस फर्श की लकड़ी टूट जाती है जहां लॉरेन खड़ी थी और लॉरेन सीधा नीचे जाकर गिरती है, जिसके बाद वहां लॉरेन को एक और भूत दिखाई देता है। लेकिन तभी वहां उस डायन का भूत आ जाता है और लॉरेन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद लॉरेन डर कर वहां से तेजी से भागने लगती है और वहां से बाहर आकर लॉरेन को सारी बात पता चलती है। लॉरेन सबको बताती है कि वो भूत कैरोलिन के अंदर है और इसलिए ही उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं और वो भूत कैरोलिन की मदद से इन बच्चों को मारना चाहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपने बच्चे को मारा था। और तभी हम देखते हैं कि वो भूत नैन्सी के बाल पकड़कर उसे पूरे घर में घसीटना शुरू कर देता है, जिसके बाद लॉरेन आकर उसके बाल काट देती है। इसके बाद जब तक उस घर की शुद्धि नहीं हो जाती एड रोजर को उसके सारे परिवार के साथ एक होटल में जाने को कहता है, और तभी लॉरेन को अपनी बेटी का चेहरा उस तालाब में दिखता है, जिसके बाद वो दोनों उस भूत के डर से अपने घर की तरफ तेजी से भागते हैं। वहीं उनके घर पर वो भूत उस
एनिमल डॉल के अंदर आकर उनकी बेटी पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी बिल्कुल एन मौके पर एड और लॉरेन पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी को उस भूत से बचा लेते हैं। इसके बाद एड और लॉरेन जाकर वो सारे सबूत फादर गॉर्डन को दिखाते हैं और सारे सबूतों को देखने के बाद फादर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कुछ समय बाद एड को रोजर का कॉल आता है जिसमें वो उसे बताता है कि कैरोलिन क्रिस्टीन और अप्रैल को लेकर वापस उनके घर गई है, जिसके बाद एड लॉरेन और इंस्पेक्टर ब्रेड सभी उस घर पर पहुंचते हैं। लेकिन वहां हम देखते हैं कि उस घर का दरवाजा अंदर से लॉक है, जिसके बाद ब्रेड गोली चलाकर दरवाजे का लॉक तोड़ देता है। तभी हमें कैरोलिन की चिल्लाने की आवाज आती है और सभी उस बेसमेंट रूम में पहुंचते हैं जहां हम देखते हैं कि रोजर और ड्रू ने कैरोलिन को पकड़ा हुआ है क्योंकि वो क्रिस्टीन को मारने वाली थी। इसके बाद क्रिस्टीन तो बच जाती है लेकिन अप्रैल अभी भी घर में ही कहीं छुपी हुई है और अब वो सभी कैरोलिन को घर से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि फादर गॉर्डन के पास ले जाकर उसका भूत उतारा जा सके। लेकिन जैसे ही वो लोग उस घर की चौखट तक आते हैं, कैरोलिन की तबीयत खराब होने लगती है और लॉरेन सबको बताती है कि अगर हमने ऐसा किया तो वो डायन कैरोलिन को मार देगी, जिसके बाद कैरोलिन उनके हाथों से छूटकर अपने आप उस बेसमेंट में पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो उन सब पर अटैक कर देती है, जिसके बाद वो सभी उसे किसी तरह कपड़े से ढककर कुर्सी से बांध देते हैं। इसके बाद एड खुद ही मंत्र पढ़कर कैरोलिन का भूत भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैरोलिन जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो पूरा घर हिलने लगता है। साथ ही में बहुत सारे पंछी उस घर से टकरा टकरा कर मरने लगते हैं और ये सब होता हुआ देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तभी कैरोलिन खून की उल्टी करती है, जिसके बाद उसके मुंह पर लगा कपड़ा भी खून से भर जाता है और कैरोलिन कुर्सी पर बैठे हुए ही हवा में उड़ने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वो तेजी से आकर जमीन पर गिरती है, जिसकी वजह से वो कुर्सी टूट जाती है और कैरोलिन आजाद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ड्रू को छुपी हुई अप्रैल मिल जाती है, जिसके बाद कैरोलिन अप्रैल को मारने उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है और जैसे ही वो उसे मारने ही वाली थी तभी एड वही मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। साथ ही में लॉरेन कैरोलिन को उस शक्ति से लड़ने को कहती है, जिसके बाद कैरोलिन को अपने परिवार के साथ बिताए सारे पल याद आने लगते हैं और कैरोलिन को एक और खून की उल्टी होती है, जिसके बाद वो डायन कैरोलिन के शरीर से चली जाती है। आखिर में कैरोलिन अपने बच्चों से माफी मांगती है और आखिरकार अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये थी द कॉन्ज्यूरिंग फिल्म की सच्ची कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।